बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वज़ाइफ़ बताएंगे जिनको करने से तंगदस्ती, गुर्बत और रिज़्क़ की परेशानी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह इन वज़ाइफ़ को करने से आपको चंद ही दिनों में रिज़्क़ की तंगी और उसमें बरकत के तमाम मसाइल हल होंगे। आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा कि आपको वहमो गुमान में भी ना होगा, और अल्लाह ताला आपके थोड़े से हलाल रिज़्क़ में भी इतनी बरकत पैदा फरमा देगा कि वो आपकी नस्लों तक चलेगा। इस वीडियो में हमने चंद वज़ीफ़े बताए हैं जिनमें से आप कोई सा भी वजीफा कर सकते हैं। इनमें से कोई सा वजीफा भी करने से इंशाल्लाह आपको ऊपर बताए गए तमाम फ़ायदे हासिल होंगे, और अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। तो अब आपको आज का पहला वजीफ़ा बताते हैं। ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है, और जो शख्स कहता है कि मैंने आज तक बहुत से वजीफ़े किए मगर मुझे किसी वजीफे से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो ये हमारा बताया हुआ वजीफ़ा कर ले, इंशाल्लाह ताला इसकी ये शिकायत दूर होगी। रिस्क माल दौर को खींचने वाला वजीफ़ा अस्फतबाह ला तर्जुन लाकुल्लाबुलकरीम, और ये नजीन अंतरहमान तक पढ़ ले। अगर किसी का कोई काम अटका हुआ हो या कोई ऐसी हाजत हो जो पूरी ना होती हो, तो वह एक मुख्तसर सा वजीफ़ा कर ले। इंशाल्लाह इसके करने से इसका हर रुका हुआ काम हो जाएगा, और इसकी जैसी भी आदत होगी चार दिनों में इंशाल्लाह पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ताकतवर वजीफ़ा हर हाजत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हुआ, ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर है। इंशाल्लाह दौरान वजीफ़ा ही आपकी हाजत पूरी होगी, और दुनिया का अटका हुआ हर मसला हल हो जाएगा। और नमाज इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2100 मरतबा पढ़ें, अबुल आखिर या रब्बाद रोजी पढ़ें। ये वजीफ़ा 3 दिन तक करना है। इस वजीफ़े को करने से आपकी हाजत फ़ौरन पूरी होगी, और आपके इसके अलावा इस वजीफ़ा का एक और फ़ायदा भी सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह के हर्फ के बदले में इसके नाम अमाल में 4000 नेक दर्ज फरमा देता है, और इसके 4000 गुना माफ़ फरमा देता है, और उसके 4000 दर्जात बुलंद फरमा देता है। अब किसी भी किस्म की हाजत या ख्वाहिश के लिए दूसरा वजीफ़ा सुन लें। दूसरा वजीफ़ा यह है कि कोई भी हाजत या ख्वाहिश हो, जैसे घर, गाड़ी, नौकरी, औलाद, शादी, तो बाद नमाज इशा 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 41 मरतबा पढ़ें, और बाद सलाम के 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह ताला जैसे भी हाजत के लिए मांगोगे वो पूरी होगी। वजीफे की इजाज़त के लिए कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें तो आपको इजाज़त होगी। वो लोग चाहते हैं कि वो दुनिया भी उसके साथ साथ रूहानी तौर पर भी मजबूत हो, उनके रिस्क और कारोबार में भी तंगी ना हो, तो आज से ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ाना 500 बार दुरूद पाक पढ़ें। कोई सा मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है, जैसा कि तोहफ़तुल अख़यार में यह हदीस पाक नक़ल की गई है कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद पढ़ेगा वो कभी मताज ना होगा। सैब तोहफ़ा ने इस हदीस शरीफ को नकल करने का ये वाक़िया बयान फरमाया कि एक नेक ख्याल आदमी था, इसने यह हदीस सुनी तो और बशौ के साथ 500 बार दुरूद शरीफ का रोज़ाना वर्द शुरू कर दिया। इसकी बरकत से इससे अल्लाह ने इसको गनी कर दिया, और ऐसी जगह से इसे रिज़्क़ अता फरमाया इसे पता भी ना चल सका, हालांकि इससे पहले वो मुफलिस और हाजतमंद था। तो नज़रीन आप ही ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें, आपके भी दिन फिर जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नज़रीन अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से दूर तक पहुँचे और ज़्यादा से दोस्त फ़ायदा हासिल कर सकें। और आखिर में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए।